स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 3C। इसमें हम शॉर्टकट मेथड्स पढ़ेंगे टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। दो मेथड है, फर्स्ट मेथड है आपका कॉलम मेथड एंड सेकंड मेथड है आपका डायगोनल मेथड। ये मेथड कैसे यूज करेंगे हम, इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैंने लाइक एन एग्जाम्पल लिया है, 18 का मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी मैम यूजिंग दोनों मेथड को यूज़ करके हम 18 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए, कॉलम मेथड में क्या होता है, कॉलम मेथड में आपको जब स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम को हम लिखते हैं ए स्क्वायर, सेकेंड कॉलम में लिखते हैं हम 2AB एंड थर्ड कॉलम इज बी स्क्वायर। अब ए और बी क्या है, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है ये क्या कहलाती है, ए, एंड सेकेंड जो है वो क्या कहलाता है, बी। तो यहाँ पे बी 8 हो गया, सो बी का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 2AB, सो 2 इंटू ए कितना है आपका 1, एंड बी क्या है 8, ये हम लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो इसका क्या हो गया 2 इंटू 8 16। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 16। हम साइड में कैलकुलेट कर सकते हैं 2AB क्या होता है, सो 2 इंटू 1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। अब देखिए हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, ये जो 64 है इसका जो यूनिट डिजिट है 4, वो एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे इन आंसर, 4 को हम यूज़ करेंगे। ये जो 6 है इसको हम क्या करेंगे, आगे वाले कॉलम में कैरी देंगे, आगे वाले कॉलम में कैरी देंगे, इसको हम क्या दे दें, कैरी। सो ये जो 6 है ये 16 में क्या हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी, 1 1 प्लस 1 2। ओके ना, अब इसका भी जो यूनिट डिजिट है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, और ये जो सेकंड नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, अगेन कैरी ओवर कर देंगे थर्ड कॉलम में। नाउ 2 प्लस 1 3, सो ये देखिए अब यहाँ पे जो नंबर्स है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 324। इस तरीके से हम यूज़ करके कॉलम मेथड को सॉल्व करते हैं। नाउ सेकंड मेथड है हमारा डायगोनल मेथड। तो डायगोनल मेथड में आप क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, लाइक मैंने स्क्वायर बनाया। अब स्क्वायर में देखिए यहाँ पे अगर 2 नंबर है तो आप 2 रो और 2 कॉलम बनाएंगे, अगर 3 नंबर है तो 3 रो और 3 कॉलम बनेंगे, 2 नंबर से तो 2 रो एंड 2 कॉलम। सो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे हमारा नंबर क्या है, 18। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ लिखा है मैंने 1 8, यहाँ पे भी आपको लिखना है 1 8। ओके नाउ, अब ये जो चारों स्क्वायर हमारे पास है इसमें हम डायगोनल्स बनाएंगे। तो ये डायगोनल्स बना दिए मैंने, ये डायगोनल्स इस टाइप से डायगोनल बनाएंगे। अब देखिए 1 इंटू 1 हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 इंटू 1 कितना होता है आपका 1, लेकिन हम इसको 2 के पेयर में लिखेंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे 0 1। ओके सो 0 तो यहाँ पे आएगा एंड जो ये 1 है वो यहाँ पे आएगा। ओके नाउ 1 इंटू 8 8, तो 1 इंटू 8 को हम क्या लिखेंगे 0 8, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 8। अब हमें करना है 8 इंटू 1, अगेन 8 इंटू 1 8, तो 0 8, और 8 8, अब ये 8 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो 8 इंटू 8 64। सो 8 इंटू 8 64, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा आपका 4। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमारे पास देखिए डायगोनल्स इस कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे ऐड करना। सबसे पहले ये लाइंस जो हमारे पास ये हमें क्लियरली दिख रही हैं, हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे ओनली 4 है तो हम आंसर में लिख देंगे 4। अब देखिए 8, अब इस डायगोनल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसको आप ऐड करेंगे, तो 8 प्लस 8 16 16 प्लस 6 कितना होगा आपका 16 प्लस 16 16 प्लस 6 22 22 का 2 22 का ये जो यूनिट डिजिट है वो हम यहाँ लिखेंगे, और ये जो 2 है वो यहाँ पे जाएगा कैरी में अगले वाले डायगोनल में। सो देखिए इस डायगोनल में क्या है, 0 1 0
प्लस टू, सो वन प्लस टू थ्री, तो यहाँ पे आ गया थ्री। अब देखिए इस डायगोनल में ओनली क्या है, जीरो, तो ये आ गया जीरो, तो हमारा स्क्वायर कितना आ गया 324। सो इस तरीके से, इस टेक्निक से हम दोनों मेथड को यूज करके फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर। एक्सरसाइज 3C का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग दी कॉलम मेथड। स्क्वायर फाइंड आउट करना है यूजिंग कॉलम मेथड। कॉलम हमने पढ़ा है, कॉलम मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम थ्री कॉलम्स बनाएंगे। तो ये हमने थ्री कॉलम्स बना दिए, जो हमारा बी है वो क्या है 3 और ए क्या है 2। सो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ए का स्क्वायर 2AB एंड बी स्क्वायर। सो देखिए 2AB क्या होगा, 2 × 3 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। ओके, नाउ ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, हमने यहाँ लिख दिया 0, 4। 2AB 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पे आ गया 12। बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो देखिए 9 जो है वो हम हमारे आंसर में लिखेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है 0, वो कैरी में लगेगा, तो 0 कैरी में लगा तो क्या आएगा 12, 12 + 0 = 12, तो ये 12 का जो 2 है उसको भी हमने लिख दिया ये यूनिट डिजिट, एंड जो ये 1 है ये भी क्या हो गई कैरी, सो 1 भी है कैरी में लग गया है, तो अब क्या आ गया आपके पास 4 + 1 = 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 529। नाउ फोर्थ वन, 96 का स्क्वायर निकालना है यूजिंग कॉलम मेथड। तीन कॉलम बनाएंगे हम, फर्स्ट कॉलम ए स्क्वायर 2AB बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 9 एंड बी की वैल्यू 6। ए का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 2 × a × b, a इंटू बी करिए 9 × 6 = 54, 54 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो क्या आएगा आपका 108। सो यहाँ पे आ गया 108। नाउ बी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा 36। अब ये जो 36 है इसमें ये जो 6 है वो तो हमारे आंसर में लगाएंगे हम यूनिट डिजिट, जो ये 3 है ये क्या होगा कैरी ओवर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 एज अ कैरी प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 8 + 3 = 11 का 1 कैरी 1, 0 + 1 = 1 एंड 1। ओके, नाउ अब ये जो यूनिट डिजिट है उसको अगर हमने वापस यहाँ पे लिखा है आंसर में, और जो ये 11 है इसको हमने क्या करा है थर्ड कॉलम में एज अ कैरी सेंड किया है, तो 11 एज अ कैरी जाएगा आपका कैरी ऑन। नाउ 1 + 1 = 2, 8 + 1 = 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 92, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 92, तो हमारा स्क्वायर कितना हो गया 9216। अब आपको डायगोनल मेथड यूज़ करके स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो हमारा फिफ्थ वन है 67 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे दो नंबर्स हैं, तो हम क्या बनाएंगे दो रो एंड दो कॉलम का स्क्वायर बना रहे हैं। सो ये हमने एक स्क्वायर बनाया है जिसमें टू रोज एंड टू कॉलम्स हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे 67, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 67। देखिए सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 से, यहाँ पे हम डायगोनल्स बना लेते हैं, यहाँ पे हमने डायगोनल्स बना दिए। सो 6 × 6 जब आप करेंगे तो कितना आता है 6 × 6 = 36, तो यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 6। 6 × 7 क्या आता है 6 × 7 = 42, सो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे क्या आ गया 2। 7 × 6 = 42, सो 42 का 2 = 4 और 2। 7 × 7 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 49, 7 × 7 = 49, सो 4 और 9। अब देखिए अब हम बॉटम से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे डायगोनल्स हैं। सो सबसे पहले क्या आ रहा है 9, तो हम हमारे आंसर में यूनिट डिजिट में लिखेंगे 9। 2 + 4 = 6, 6 + 2 = 8, तो हमने यहाँ पे किसको ऐड किया है 2 + 4 + 2, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 8। हमने इसको लिखा है सिंगल डिजिट है यानी कैरी नहीं लगेगा। नाउ थर्ड डायगोनल 4 + 6 + 4, सो 4 + 6 + 4 कितना आ जाएगा आपका
4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14, तो 14 का 4 कैरी क्या लगेगी, 1 एज अ कैरी लगेगी यहाँ पे फोर्थ कॉलम में, कैरी क्या हो गई 1, सो 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे क्या आ गया ये 4489, किसका स्क्वायर है 67 का स्क्वायर। अब हमारा 8th क्वेश्चन है जिसे हमें डायगोनल मेथड से सॉल्व करना है। सो देखिए जो आपका क्वेश्चन है वो है 256, इसमें क्या है थ्री नंबर्स हैं, थ्री डिजिट्स है, तो थ्री डिजिट्स है तो हम कितनी रो और कॉलम बनाएंगे 3, तो ये हमने बना लिए 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, इनमें हम डायगोनल्स भी बना लेंगे, सारे स्क्वायर्स पे हम डायगोनल बनाएंगे। ये हमने डायगोनल्स बना लिए। नाउ 256, तो 256, 256 सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 अगर हम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 4, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 04, दो नंबर्स में चाहिए हमें 04, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10, 10 का 1 0, 2 इंटू 6 12, सो 12 का 1 एंड 2, अब 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सो देखिए 5 मल्टीप्लाई विद 2 10, सो 10 का 1 एंड 0, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 से, सो 5 इंटू 5 25, इस 5 को हमने मल्टीप्लाई किया इस 5 से 25 आ रहा है, 25 को हम ऐसे लिखेंगे 2 एंड 5, 5 इंटू 6 5 6 जा 30, 30 का 3 एंड 0, नाउ 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, 12 का 1 एंड 2, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30, 30 का 3 एंड 0, अब हम क्या करेंगे 6 इंटू 6 कितना होता है 36, सो 6 इंटू 6 36, तो 3 एंड 6, नाउ बॉटम लेवल पे स्टार्ट करेंगे हम, सो ये देखिए ये फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास 6, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 6, तो हमने आंसर में लिख दिया है 6। अब सेकेंड डायगोनल 0 प्लस 3 प्लस 0, 0 प्लस 3 प्लस 0 कितना होगा 3, तो ये आ गया हमारा 3, 3 हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया। नाउ थर्ड डायगोनल 2 प्लस 3 किसको प्लस करेंगे, 2 प्लस 3 को प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 का 5 जो कैरी है यहाँ पे 15 आ रहा है, जो ये 1 है वो कैसे यूज़ करेंगे हम एज अ कैरी, तो यहाँ पे आपकी कैरी यूज हो रही है 1, तो देखिए 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस कैरी 5, तो यहाँ पे आ गया 5, इस कॉलम में हमारा आंसर क्या आ गया 5, अब देखिए 1 प्लस 4 प्लस 1, सो क्या आ गया है 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6 और 0, तो हमारा जो स्क्वायर है वो क्या है 65,536 यूजिंग डायगोनल मेथड। अब हमारी जो एक्सरसाइज 3C है वो भी कंप्लीट हो चुकी है।